दिक्कत यह है कि जिस प्रकार से हम लोग को बालू यहाँ पर बंद कर दिया गया है, हमारे हजारों जनता यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, काम उनको नहीं मिल रहा है। बालू तो बालू, सीमेंट महंगा हो गया, छड़ी महंगा हो गया, छड़ महंगा हो गया, हम लोग गरीब जनता को तो यहाँ पर सोचना पड़ रहा है, हम लोग जिए कैसे जिए। सीमेंट में तो अभी 20 से 30 रुपया का अंतर आया है कंपनी का जो रेट है उसमें, और ये जो छड़ में जो है 500 रुपया से 600 रुपया लगभग आया है। बालूबंदी के साथ सीमेंट छड़ के बढ़े भाव से शेरघाटी में निर्माण कार्यों पर लगा ब्रेक, मजदूरों को नहीं मिल रहे काम। लगातार 10 महीने से बालू का उठाव बंद रहने के कारण शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय और आसपास के गांवों कस्बों में धीमी हुई निर्माण कार्यों की रफ्तार को एक और झटका हालिया दिनों में तब लगा है जब स्थानीय बाजार में छड़ के दाम में अचानक 5 रुपये प्रति किलो और सीमेंट की कीमत में 20-25 रुपये प्रति बैग का उछाल आया है। सीमेंट छड़ जैसी भवन निर्माण सामग्रियों के अचानक भाव चढ़ने तथा बालू की अनुपलब्धता से शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में ब्रेक सा लग गया है। कंक्रीट के काम में अवरोध का सबसे बड़ा खामियाजा निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। सीमेंट में तो अभी 20 से 30 रुपया का अंतर आया है जी, कंपनी का जो रेट है उसमें, और ये जो छड़ में जो है 500 रुपया से 600 रुपया लगभग आया है। 500 से 600 रुपया? हाँ, 500 से 600 रुपया प्रति क्विंटल। अच्छा, पहले पहले कोई TMT छड़ कैसे बिक रहा था और आज कैसे बिक रहा है? पहले जो TMT कम से कम है, हर TMT का दाम अलग अलग होता है जी, और नाम पे उसका रेट होता है, उसका क्वालिटी होता है। तो अभी जो 5700 रुपये का जो माल था वो 6200-6300 रुपये में बिक रहा है। अच्छा, सीमेंट पहले एक बैग कितना में मिल रही थी और आज कितना में मिल रही है? हमारे पास तो मिनी प्लांट रहता नहीं है, जो ब्रांडेड है, बिग प्लांट का माल है, उसका रेट जो है तो 340 रुपये में पहले भी बिक रहा था और हम आज भी बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट में वही चीज़ 360 रुपया में बिक रहा है। अच्छा, क्या परिचय है आपका? मेरा दिलीप अग्रवाल, गोला बाजार शेरघाटी। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत यह है कि जिस प्रकार से हम लोग को बालू यहाँ पर बंद कर दिया गया है, हमारे हजारों जनता यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, काम उनको नहीं मिल रहा है। बालू तो बालू, सीमेंट महंगा हो गया, छड़ी महंगा हो गया, छड़ महंगा हो गया, हम लोग गरीब जनता को तो यहाँ पर सोचना पड़ रहा है, हम लोग जिए कैसे जिए। मजदूरी भी नहीं हो रही है, घर में बाल बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं। यहाँ देखिए कि त्यौहार है, दीपावली है, हर चीज है, कैसे हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोगों को तो खुद नहीं समझ में, हम लोग पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देते हैं, राज मजदूर पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम लोग क्या करें? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो बांके बाजार के रहने वाले आदमी हैं सर, और तो और यहाँ गुरुआ से भी लोग आते हैं और इमामगंज से भी लोग आप आते हैं। आप अपना बताइए कि आपको रोज काम मिल रहा है यहाँ? हम लोग को यहाँ रोज काम नहीं मिल रही है सर, हम लोग तो कितना बार आए, कितना बार घूम के जाते हैं सर, ऐसे ही लौट जाते हैं। लेकिन देखिए, एक औसत लेके आता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बसंत कुमार है सर। कहाँ रहते हैं? घर बांके बाजार है और हम राजमिस्त्री हैं सर, और यहाँ पर देखते हैं आते हैं सर, घर में लाचारी मजबूरी के कारण हम लोग इस जगह पर आते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं तो काम मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, जल्दी बैठता है सर। नहीं बैठता है, हफ्ता में एक बार बैठता है। हफ्ता में एक बार? हाँ। और बाकी दिन लौट जाना पड़ता है? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं कमात से। कमात से जी। अभी कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी तो कर रहा है, 1.5-2 घंटा हो रहा है, कोई काम नहीं मिला। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कारू मंडल। अच्छा, बताइए, आपको रोज काम मिल जा रहा है यहाँ? आपका भी आवाज रोज आवाज। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? इंग्लैंड से जी। इंग्लैंड से। अच्छा, क्या नाम है आपका? टुन्नू नाम है, टुन्नू। तो आपको अभी तक काम नहीं मिला यहाँ पर? ना।